नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से नया वीडियो लाया हूँ। और आज का हमारा जो वीडियो है, ये वीडियो है क्लास टेंथ हाफ ईयरली एग्ज़ाम सब्जेक्ट इंग्लिश का जो आज पेपर था, इसका हम एनालिसिस करेंगे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो समझाने योग्य बातें हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो लीजिए इस वीडियो की, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले था सेक्शन ए में कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, मीन्स पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से इसको किया होगा, लेकिन जो इसमें थोड़े से जो डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन हैं उनको हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर पहले का चौथा है, फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द पेजेस एंटोनिम ऑफ रीच, रीच का एंटोनिम। तो इस पैराग्राफ को जब आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर सबसे ऊपर दिखा गया है POOR L, तो ये मिसप्रिंट है, ये पुअर है। क्या है? POOR, पुअर मतलब गरीब। तो एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम शब्द, तो रीच का आपको कर देना है पुअर। ओके, इसी का नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ बाउंड इज कंपेल्ड स्ट्रेस्ड। बाउंड मतलब होता है बंध या बंधन में बंधा हुआ। कंपेल्ड का अर्थ होता है मजबूर और स्ट्रेस्ड का अर्थ होता है थका हुआ। तो क्वेश्चन को यदि समझे तो सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची या समानार्थी। तो बॉन्ड का ये दो तो यहाँ पर दिए हुए हैं समानार्थी, एक और हमें इस पैराग्राफ से ही ढूंढ कर निकालना था। तो इसका एक और हम ढूंढेंगे तो वो होगा स्लेव। स्लेव का अर्थ होता है दास या फिर गुलाम। ठीक है, तो इसका क्या होगा? स्लेव। नेक्स्ट है दूसरा पैराग्राफ, इसमें भी ये लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो इसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने थे। अब मैं एक आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि आज का जो पेपर था, इस पेपर में 30 नंबर के क्वेश्चन जो थे वो वर्कबुक से आए थे। मीन्स ये जैसे ये पैराग्राफ दिया गया है तो ये पैराग्राफ भी वर्कबुक का है। आगे भी कुछ पैराग्राफ है मैं बताऊँगा आपको, वो भी वर्कबुक हैं से हैं। और 15 नंबर के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी वर्कबुक से ही लिए गए थे। तो वर्कबुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है टेक्स्ट बुक के साथ साथ। तो लीजिए दूसरे पैराग्राफ का जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे का ए, अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट किल्स ए लॉट ऑफ पीपल और काजेस ए लॉट ऑफ डैमेज। मतलब ये डेफिनेशन है किसी एक वर्ड की, तो उसका हमें लिखना है। मतलब एक अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद ना की जाती हो, ऐसी घटना जिसमें कि कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और उसका कारण बहुत सारा नुकसान या हर्जाना होता है, डैमेज होता है। तो इसमें दो वर्ड हैं, एक तो ये था डिज़ास्टर या फेमिन, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं फेमिन। ठीक है, मतलब फेमिन का अर्थ क्या होता है? ये अकाल होना या फिर कोई ऐसी दुर्घटना होना, घोर समस्या आना। नेक्स्ट है ए 10% हु एडवाइज पीपल विद प्रॉब्लम्स, एक शिक्षित या प्रशिक्षित व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को एडवाइसेस देता है, सलाह देता है जब वो समस्याओं में हों, तो उसको हम कहते हैं काउंसलर। क्या कहते हैं? काउंसलर। आप यदि वर्कबुक को अच्छे से पढ़ते तो ये आपको बहुत ही इजी लगता। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। इसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना था। ये भी आपको वर्कबुक में ही मिलेगा। ठीक है, अब इसका हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड लिखा हुआ है, वर्ल्ड नहीं है, वर्ल्ड है WRLD, फ्रॉम द पैसेज विथ मीन्स लक। लक का मीन्स हमें सिनोनिम निकालना है। तो इसमें आपने देखा होगा, इसमें आपको वर्ड मिलेगा एक फॉर्च्यून। क्या मिलेगा? फॉर्च्यून। ठीक, फॉर्च्यून का अर्थ होता है भाग्य या किस्मत। नेक्स्ट है फाइंड आउट नाउन फॉर्म ऑफ वर्ब एडमिनिस्ट्रेट। एडमिनिस्ट्रेट मतलब शासन करना। तो ये जो है इसकी हमें नाउन फॉर्म लिखना है। तो इसमें आप यहाँ पर देखिए, ये लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसकी नाउन फॉर्म क्या हो जाएगी? एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये नाउन फॉर्म है। जनरली या ज़्यादातर जिस वर्ड के लास्ट में TION लिखा हुआ होता है और उसका अर्थ सन निकलता हो, TION, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो नाउन फॉर्म रहता है। ठीक है,
अब आप इधर आ जाइए, फिर एक पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ नोट मेकिंग के लिए था और आपने इसको बहुत अच्छे से कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स में एक कंपोजिशन करना था और उसके अथवा में था ऐसे, तो इस ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें साइंस का निबंध कौन सा है। तो ये जो साइंस ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, यही आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध था, तो आपने कर दिया होगा उम्मीद करता हूँ। अब आप आ जाइए सेक्शन सी। सेक्शन सी मतलब हमारा वही जो जनरली हम हल करते हुए आए हैं, ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले आप देखिए 7A का पहला रिक्त स्थान है, इज ए गुड हैबिट। इसमें ब्रैकेट में रीड दिया हुआ है, मीन्स ये वर्ब दी गई है, तो इसका अर्थ ये है कि ये जो रिक्त स्थान है इस पर इस रीड की जो सुटेबल फॉर्म हो वो आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया तो आपने इसको उठाकर यहाँ रख दिया, ऐसा नहीं है। और पिछले वीडियो में यदि आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में यदि रिक्त स्थान है और वर्ब अगर दी गई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही उसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING वाला ही आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपको लिखना था रीडिंग, ठीक है, रीडिंग इज ए गुड हैबिट। नेक्स्ट है द मैच, ब्लैंक है, ब्रैकेट में फिर स्टार्ट लिखा हुआ है, आवर टीम इज प्लेइंग वेल, ब्रैकेट में स्टार्ट लिखा हुआ है, तो इसकी आपको सही फॉर्म लिखना है। तो सही फॉर्म क्या होगी, इधर देखो इज प्लेइंग दिया गया है, प्रेजेंट का है, तो इधर भी प्रेजेंट का आएगा, तो यहाँ सब पर सिर्फ आपको एस लगा देना था, इट स्टार्ट्स। नेक्स्ट है यामिनी डिसाइडेड रिक्त स्थान अलोन टू गो ओब्लिक गोइंग, डिसाइडेड है, वर्ब दी गई है, तो इसके जस्ट बाद में हम गोइंग नहीं लगा सकते, इसके बाद में आएगा टू गो, ये टू इन्फिनिटिव आएगा, है ना। नेक्स्ट है दे लिसन टू द जोक, उन्होंने जोक को सुना, एंड रिक्त स्थान टू लाफ, फिर ब्रैकेट में दिया गया है बिगिन, बिगिन मतलब शुरू होना, तो लिसन, लिसन में ईडी लगा हुआ है, मतलब सेकंड फॉर्म है, पास्ट का है, तो इधर भी पास्ट का होगा, तो ये बिगिन का यहाँ पर क्या आएगा, बिगेन, तीनों फॉर्म होती है बिगिन, बिगेन और बिगन, तो वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है रिक्त स्थान डॉग सेल्डम बाइट, ऑप्शन में बार्क ओब्लिक बार्किंग, ये पहला जैसे हमने किया था वैसे ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शुरुआत में यदि रिक्त स्थान हो तो बिना सोचे समझे आपको वही लगाना है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ठीक है। और इसका अर्थ यदि हम देखें तो इसका अर्थ होता है भौंकते हुए कुत्ते कभी कभार काट भी लेते हैं, सेल्डम मतलब कभी कभार या फिर प्रायः, भौंकते हुए कुत्ते काट भी लेते हैं। नेक्स्ट है मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही रिक्त स्थान टू बेड अर्ली, देखिए यहाँ पर कीवर्ड वाज है और यहाँ पर भी ईडी लगा हुआ है, मीन्स सेंटेंस पास्ट टेंस का हुआ, ये पास्ट का है तो इधर भी पास्ट की फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर ये गो का क्या आ जाएगा, वेंट। नेक्स्ट है इट वाज डार्क सो आई रिक्त स्थान ए टॉर्च विथ मी, देखिए वाज मतलब पास्ट का इधर, तो यहाँ पर भी पास्ट की वर्ब आएगी, तो ये टुक का क्या आ जाएगा, टेक का क्या आ जाएगा, टुक। अब क्वेश्चन नंबर 7 का B, इसमें हमें देखते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉपर इज रिक्त स्थान यूजफुल, मेटल AN में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है इसका प्रोनंसिएशन हमें देखना है, तो इसका यदि हम प्रोनंसिएशन देखें तो इसका प्रोनंसिएशन है यूजफुल, और यह जो है ये हिंदी वर्णमाला का क्या है, व्यंजन है, मीन्स कंसोनेंट साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, नॉट एन। अगला है शुरुआत में रिक्त स्थान है यू स्विम अक्रॉस द नर्मदा, जब किसी व्यक्ति की क्षमता उसके एबिलिटी पर क्वेश्चन है या उसके बारे में यदि बताया जा रहा है तो किसका प्रयोग करते हैं, कैन का, स्ट्रेंथ के बारे में, एबिलिटी के बारे में जब पूछा जाए तो कैन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ही हैज़ इन्वाइटेड टू हिज बर्थडे पार्टी, उसने उन्हें उसकी बर्थडे पार्टी पर बुलाया, तो या तो आप देम लगा सकते हैं या ब्रैकेट में उन्होंने देयर भी लगा दिया है, तो दोनों में से कोई सा भी लगा दोगे तो सही रहेगा। नेक्स्ट है विल यू गिव मी रिक्त स्थान मनी सम और एनी है, तो यहाँ पर वो निवेदन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सम, और वैसे भी अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट है दिस गेव ए मैसिव रिक्त स्थान टू ममताज कॉन्फिडेंस बूस्ट, ठीक। अगला है द स्टूडेंट रिक्त स्थान, द स्टूडेंट सेड इन्वर्टेड कॉमा में आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए तो ऑप्शन आपको लगा लेने थे मे कैन
कैन या कुड, ठीक है। तो जब हम आज्ञा लेते हैं, परमिशन लेते हैं, तो मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आएगा मे आई कम इन, मे आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज। नेक्स्ट है माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही रिक्त स्थान लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। फिर उसके स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो क्या आएगा, कैन आएगा। अब डूएस डायरेक्टेड है, इनको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, उसके बाद मैं आपको पेपर पे हल करके इनको बताऊंगा, ठीक है। देखिए मैंने आपके लिए पेपर तैयार किया है, थोड़ा सा लिखा भी है, लीजिए। तो ये क्लास 10th हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2019-20 का जो अभी आज पेपर हुआ उसका डूएस डायरेक्टेड है। सी डिड हर ड्यूटी, नेगेटिव करना है। तो एज यूजुअल मैंने पहले भी आपको बताया है कि वाक्य में डू डिड या डज दिया जाए और नेगेटिव करना हो तो उसके आगे हमें क्या लगा देना है, नॉट डू। सिर्फ क्या लगाना है, नॉट डू हर ड्यूटी। तो ये आपका नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट है रमेश डज नॉट नो ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इसको हाउ से कंबाइन करना है दोनों वाक्यों को। तो हाउ का अर्थ कैसा होता है, मतलब क्या होता है, कैसे। रमेश नहीं जानता कैसे समस्या को हल करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, रमेश डज नॉट नो हाउ ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। रमेश नहीं जानता कि वो कैसे समस्या को हल कर सकता है। नेक्स्ट है ही टेक्स टी, सिंपल पास्ट में करना है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है टुक और टी, सिंपल है। अगला है सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, चेंज द वॉइस करना है। तो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल यही है कि दिए गए वाक्य को पहचानो किस टेंस का है, वो पता चलता है उसकी वर्ब से। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ठीक है, तो कंटिन्यूस हो गया। हेल्पिंग वर्ब इज है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया। फिर हमारा रूल बनता है कि दिया गया एक्टिव वॉइस सेंटेंस यदि किसी कंटिन्यूस टेंस का हो तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है जिस टेंस में वो है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट वर्ब और ये सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर तो क्या होगा, ए सॉन्ग सिंगुलर है तो इज के बाद में क्या लगता है, बींग संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज टू पुअर टू पे द फी, सो देट का प्रयोग करना है। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जहाँ पर टी डबल ओ रहता है वहाँ पर हम सो लगा देंगे, जहाँ पर टी ओ टू है वहाँ पर देट लगा देंगे, तथा इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार ही कैन नॉट, सी कैन नॉट, आई कैन नॉट, कुड नॉट, ये आएगा। तो ही टी डबल ओ के स्थान पर सो, पुअर टी ओ के स्थान पर दैट, सब्जेक्ट क्या ही है तो ही कैन नॉट पे द फी, ओके। नेक्स्ट है मिस्टर प्रसाद लिव्स इन हैदराबाद। मैं के क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर, मतलब वेयर से इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन बनाना है। मिस्टर प्रसाद होशंगाबाद में रहते हैं तो वेयर का अर्थ क्या होता है, कहाँ। हम क्वेश्चन बनाएंगे कि मिस्टर प्रसाद कहाँ रहते हैं, तो होशंगाबाद में रहते हैं तो होशंगाबाद को हटा देंगे, तथा इसके पहले जो प्रिपोजिशन आता है उस प्रिपोजिशन को भी हटा देंगे। और वेयर कहाँ लगता है, वाक्य की शुरुआत में। तो वेयर, वेयर मतलब डब्ल्यू एच वर्ड है, तो डब्ल्यू एच वर्ड के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और वो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वर्ब के अनुसार। तो वर्ब में एस लगा हुआ है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब हेल्पिंग वर्ब डज। तो वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव, और चूंकि हमने वो डेस्टिनेशन और उसके पहले प्रिपोजिशन पहले ही हटा दिया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेरी सिंपल। अब ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं। सबसे पहला है सुबह से वर्षा हो रही है, से रही है, से रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या होगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ओके। नेक्स्ट है मेरे पास 5 पेन है, तो आई हैव 5 पेन्स। नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक
इंग्लिश। नेक्स्ट है आपकी उम्र कितनी है, तो इसको दो प्रकार से बना सकते हैं, व्हाट इज योर एज या फिर हाउ ओल्ड यू आर। ओके, किसी प्रकार से बनाया हो सही है। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ, तो आई विश यू मे सक्सीड, क्या आएगा, यू मे सक्सीड। अगला है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, कंडीशनल सेंटेंस है, तो क्या होगा, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो सन, माफ कीजिएगा, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। कुछ व्यक्ति इसमें फ्रॉम के स्थान पर इन भी लगाते हैं, तो वो भी सही रहेगा। ओके दोस्तों, आज ये कक्षा 10वीं का हाफ ईयरली एग्ज़ाम था इंग्लिश का। इस पेपर को हमने एनालिसिस किया है, आप इसको अच्छे से देखिए। इसमें किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।